हेलो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स टुडे इन द सिक्स्थ पार्ट ऑफ एफेड्रा रिप्रोडक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फर्टिलाइजेशन इन एफेड्रा एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट तो सिक्स्थ पार्ट में हम बात करेंगे एफिड्रा के फर्टिलाइजेशन या निषेचन की और उसमें किस प्रकार से निषेचन के पश्चात एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या भ्रूण का विकास होता है तो हम स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन से या निषेचन से जैसा कि आपको पता है कि जितने भी सीड प्लांट्स होते हैं उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो साइफ़ोनोगेमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है जिसे नाल युग्म की निशेषन भी कहा जाता है तो इसमें जो मेल गेमिटोफाइट डेवलप होता है वो मेल गेमिटोफाइट के अंदर पोल ट्यूब विकसित होती है और उस पोलन ट्यूब में जो फुली डेवलप्ड मेल गेमिटोफाइट होता है उस फुली डेवलप्ड मेल गेमीटोफाइट के अंदर पॉलन ट्यूब में दो मेल गेमीट्स साथ में ट्यूब न्यूक्लियस और स्टॉक न्यूक्लियस होते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये ट्यूब जो होती है ये ट्यूब पॉलन ट्यूब ये आर्चिगोनियम के नेक को पेनिट्रेट करती है और नेक को पेनिट्रेट करते हुए वो सेंट्रल सेल तक पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचने के पश्चात ये पोलन ट्यूब रप्चर हो जाती है और रप्चर होने से जो दोनों मेल गेमीट्स हैं वो वो सेंट्रल सेल में रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होने के पश्चात यानी वेंटर के अंदर रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होने के पश्चात एक मेल न्यूक्लियस जो होता है वो फीमेल गैमेट या जिसे एग कहा जाता है उसके साथ फ्यूज होकर के जायगोट बनाता है यानी एक डिप्लोइड सेल बनाता है जिसे जायगोट कहा जाता है या उसे भी कहते हैं या उस पोर भी इसे कहा जाता है तो एक मेल गेमीट के फ्यूजन से उस पोर फॉर्मेशन हुआ दैट इज अड सेल और समटाइम्स वॉट हैपेंड इन एपिड्राफोलियटा कि सेकेंड मेल गेमिट कैन ऑल्सो फ्यूज विद वेंटर कैनाल न्यूक्लियस लेकिन uh, ये इट इज़ सिंपली अ फ्यूजन बिटवीन टू ऑपोजिट स्ट्रेन न्यूक्लिया ऑफ टू ऑपोजिट स्ट्रेन्स तो इससे जो टिश्यू डेवलप होता है वो बाद में जैसे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो डिसअपयर हो जाता है इसलिए दैट इज नॉट फ्रूटफुल तो जो आर्चिगोनियम है उस आर्चिगोनियम के अंदर जाइगॉट या ऊ स्पोर का डेवलपमेंट हो जाता है एंड दिस ऊ स्पोर एक्ट लाइक अ मदर सेल ऑफ द एम्ब्रियो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इमेज है इस इमेज के अंदर आपको जो आपका ये ऊस पोर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है और ये जो ऊस पोर है दिस इज टू एन ये क्या है टू एन है और ये ऊस पोर किस में डेवलप हुआ है आर्चिगोनियम की सेंट्रल सेल में दिस इज द आर्चिगोनियम और इस आर्चीगोनियम के सेंट्रल सेल के अंदर या वेंटर के अंदर ये आपको ऊस पोर जो कि डिप्लॉइड है वो आपको डेवलप नजर आ रहा है अब एट द टाइम ऑफ फर्दर डेवलपमेंट वॉट हैपन जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा इस ऊस पोर से एफिड्रा में तो ये ऊस पोर जो है इट अंडरगोज माइटोटिक डिविजन और इसमें सक्सेसिवली दो माइटोटिक डिवीजन आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जैसे दो एक माइटोटिक डिवीजन से यहाँ पर कितने न्यूक्लिया बन गए दो न्यूक्लिया बन गए हैं और दो से फर्दर कितने न्यूक्लिया बन गए हैं चार न्यूक्लिया बन गए हैं इस तरह से तो टोटल तो हाउ मेनी न्यूक्लियाइज आर फॉर्म्ड फोर न्यूक्लियाइज़ और इसके बाद ये चारों न्यूक्लिया में थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा और उस थर्ड माइटोटिक डिवीजन से क्या बन जाएंगे टोटल एट न्यूक्लिएटेड स्टेज डेवलप हो जाएगी यानी टोटल आठ न्यूक्लिया डेवलप हो जाएंगे तो उस पोर में पहले माइटोटिक डिवीज़न से दो दूसरे माइटोटिक डिवीजन से चार और तीसरे माइटोटिक डिवीजन से आठ न्यूक्लिय बन जाते हैं देयर आफ्टर वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस और वॉल फॉर्मेशन से यू कैन सी ये जो एम्ब्रियोसेक है इस एम्ब्रियोसेक के अंदर ये हर न्यूक्लिया के चारों तरफ ये वॉल फॉर्मेशन हो गई है और ये वॉल फॉर्मेशन के साथ ही ये टोटल कितने आठ यहाँ पर प्रो एम्ब्रियोज विकसित हो जाते हैं इस प्रकार से एक स्पोर्ट से ये आठ प्रो एम्ब्रियोज डेवलप हो जाते हैं जिनमें क्षमता होती है फर्दर एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो डेवलप होने की तो इस तरह की जो पॉली एम्ब्रियोनी होती है इस तरह की पॉली एम्ब्रियोनिक हो जिसमें कोई क्लीवेज नहीं होता विदाउट दिस टाइप ऑफ पॉली अकर्स विदाउट एनी क्लीवेज और इस तरह की क्लीवेज क्लीवेज के बिना जो पॉली एम्ब्रियोनी होती है उसको एम्ब्रियोसेक पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है तो एफिड्रा में जो पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है वो एम्ब्रियोसेक पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है अब इस एम्ब्रियोसेक में जो आठ आपको प्रो एम्ब्रियोज नज़र आ रहे हैं दीज आर ऑल प्रो एम्ब्रियोज़ ये जो दिख रहे हैं आपको इन प्रो एम्ब्रियोज में सारे के सारे एम्ब्रियोज जो हैं ये हमेशा पोटेंशियल नहीं होते हैं फोलिएटा में करीब छः पोटेंशियल एम्ब्रियोज डेवलप हो सकते हैं पोटेंशियल प्रो एम्ब्रिय एम्ब्रियो में विकसित हो सकते हैं और एफिड्रा ट्राइव के अंदर सिर्फ तीन प्रो एम्ब्रिय आर पोटेंशियल ओनली थ्री प्रो एम्ब्रियोज आर पोटेंशियल जो कि क्षमता रखते हैं एम्ब्रियो में विकसित होने की नाउ वी विल सी द फर्दर डेवलपमेंट तो ये एक पोटेंशियल प्रो एम्ब्रियो है और जैसे हम फंक्शनल प्रो एम्ब्रियो कह रहे हैं इस फंक्शनल प्रो एम्ब्रियो में जो न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होकर के दो न्यूक्लिया बना लेता है यहाँ पर आप देख रहे हैं हाउ मेनी न्यूक्लिया देयर टू न्यूक्लिया देयर और ये दोनों न्यूक्लिया जो हैं ये नीचे क्यूबुलर पोर्शन जिसे सस्पेंसर ट्यूब कहते हैं तो यहाँ पर जो पोटेंशियल प्रो एम फंक्शनल प्रो एम्ब्रियो होगा उस फंक्शनल प्रो एम्ब्रियो में जो लोअर पोर्शन होगा वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होता है जिसे सस्पेंसर ट्यूब कहते हैं तो सस्पेंसर ट्यूब में ये दोनों न्यूक्लिया जो हैं ये माइग्रेट कर जाते हैं और बाद में देयर आफ्टर ट्रांसफर डिवीजन या फॉर्मेशन नॉट ट्रांसफर डिवीजन वॉल फॉर्मेशन अकर्स और वॉल फॉर्मेशन से जो दो सेल्स आपको नजर आ रही हैं दिस इज एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल और ये जो है आपकी कहलाती है सस्पेंसर सेल दिस इज सस्पेंसर सेल तो यहाँ पर ये एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल है नीचे वाली और ऊपर वाली सस्पेंसर सेल डेवलप हो जाती है देयर आफ्टर ये जो एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल है ये एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल डिवाइड्स फर्दर and give rise to multicellular secondary suspensor and embryo, यानी yani ये further divide होगी और ये secondary suspensor और साथ में आपके multicellular embryo में विकसित होती है, तो यहाँ पर you can see ये जो further stages हैं, ये जितनी भी stages हैं, इसमें you can see जो embryo develop हो रहा है, ये embryo जो एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल है उस एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल में सक्सेसिव डिविजन से ये एम्ब्रियोनल सेल्स विकसित हो गई हैं एंड अ ग्लोबुलर मास ऑफ एम्ब्रियो एम्ब्रियो डेवलप्स ये पूरा का पूरा ग्लोबुलर मास डेवलप हो गया है एम्ब्रियोनल सेल्स का और जो सेकेंडरी सस्पेंसर जो डेवलप हुआ था दिस इज अस सेकेंड्री सस्पेंसर सेल इससे ऊपर जो सस्पेंसर सेल्स था उसे सेकेंडरी सस्पेंसर डेवलप हो जाता है यहाँ पे दिस इज सेकेंडरी सस्पेंसर तो प्राइमरी सस्पेंसर देन सेकेंडरी सस्पेंसर और उसके बाद दिस इज द मास ऑफ एम्ब्रियोनल सेल्स ये विकसित हो जाता है ये एम्ब्रियोनल सेल्स जो होती हैं इन एम्ब्रियोनल सेल्स में से uh, फर्दर दो कोटाइलिडन्स विकसित होते हैं और साथ में एक मेन एक्सिस डेवलप होती है दिस इज दीज आर टू कोटाइलेडन्स ये जो साथ में आपको दिख रहे हैं दीज आर टू कोटाइलेडन्स और ये सेंट्रल एक्सेस आपको नज़र आ रहा है और सेंट्रल एक्सेस में यू कैन सी अ रेडिकल एंड अ प्लूम्यूल ये जो रेडिकल होता है दिस इज़ अ रेडिकल ये जो रेडिकल होता है ये इसे रूट प्राइमरी रूट विकसित होती है और प्लूम्यूल से प्राइमरी शूट डेवलप होता है तो इस प्रकार से एफिड्रा के अंदर एम्ब्रियो का विकास होता है तो ये एम्ब्रियो का विकास किससे हुआ ऊस पोर से और ऊस पोर किससे बना बाय द फ्यूजन ऑफ वन मेल गेमीट एंड अ फीमेल गेमीट यानी एग एंथ्रोजॉइड और एग के फ्यूजन से ऊस पोर का डेवलपमेंट हुआ तो इस प्रकार से एफिड्रा के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद इनमें सीड का विकास होता है तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सीड uh, किस प्रकार से विकसित होता है और वो किस प्रकार से जर्मिनेट हो, होता है उसको स्टडी करेंगे दैट्स ऑल अबाउट माई टू लेक्चर थैंक यू